हमारा शरीर आज के समय में इतनी मेहनत इसलिए कर लेता है क्योंकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में है। लेकिन क्या हो अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाए, तो इससे आपको एनीमिया की प्रॉब्लम, साथ ही साथ आप थकान कमजोरी भी फील कर सकते हैं और आपका आसान से आसान काम भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके शरीर में खून की कमी देखने को मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड के बारे में जो कि आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उसकी पूर्ति करने में ये फूड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर वन, सेब। डॉक्टर भी कहते हैं कि हर एक दिन आप अगर रोज एक सेब खाते हैं तो आप कई ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको कई ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं जैसे जिंक, फॉस्फोरेट, फॉलिक एसिड और कई ऐसे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कि आपकी छोटी छोटी बीमारियों को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो वो भी ये पूर्ति करता है। तो सेब आप ज़रूर खाएं, इसके अंदर आपको कई ज़्यादा ऐसे विटामिन और मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो कि आपकी शारीरिक क्षमता को ताकतवर बनाते हैं, साथ ही साथ आपकी कमजोरी और थकान को खत्म करते हैं। तो रोज एक सेब आप जरूर खाएं। नंबर सेकंड, अनार। अनार हमारे शरीर की खून को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कई ज्यादा विटामिन्स इसके अंदर मिलते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके शरीर की खून की कमी को दूर करने के लिए। अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो डॉक्टर आपको अनार के जूस की भी रिकमेंडेशन देते हैं क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये आपके अंदर से जो खूबसूरती होता है उसे निखारने के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपका जो ब्लड है ये उसे तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये आपकी ब्लड को प्योरीफाई भी करता है जिससे आपकी जो रंगत है वो साफ होती है। तो आप अनार भी खा सकते हैं अपनी खून की कमी को दूर करने के लिए। नंबर थर्ड, चुकंदर का जूस। भारत के अंदर चुकंदर के जूस को भी काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में बढ़ाया जाता है। ये आपकी हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो चुकंदर का जूस पीने से आपको काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं और अगर आप हफ्ते में इसे 3 से 4 बार पीते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे आ जाती है जिससे आपके खून की कमी भी दूर हो जाती है और अगर आपको थकान कमजोरी रहती है तो वो भी आपको नहीं होती है। तो चुकंदर के जूस को पीने से आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है और काफी ज्यादा छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि इससे नहीं होती है। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो चुकंदर का जूस आप जरूर पिए जिससे आपके शरीर में जो खून की कमी है वो खत्म हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा फायदे आपको इसके अपने शरीर के अंदर देखने को मिलेंगे सिर्फ कुछ ही दिनों में। नंबर फोर, गाजर। फलों के अलावा सब्जियां भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें अगर आप कच्चा खाओगे तो वो और भी ज़्यादा फायदा देती है जैसे कि गाजर। गाजर खाने से आपके शरीर में कई ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं क्योंकि गाजर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आपको कई ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, फॉस्फोरस, जिंक ये सब मिलता है। साथ ही साथ आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो खून की कमी भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है क्योंकि ये दोस्तों आपके शरीर के अंदर खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की क्षमता को बढ़ाता है जिससे आपकी खून की कमी दूर होती है और अगर आपके शरीर में थकान रहती है तो उससे ये चली जाती है बहुत ही तेजी से। तो गाजर भी आप जरूर खाएं और सर्दियों में गाजर काफी ज्यादा खाया जाता है तो आप गाजर भी खा सकते हैं और दिन में आप 2 से 3 गाजर जरूर खाएं या फिर आप इसे सिंगल भी सुबह शाम खा सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। तो गाजर भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने खून की कमी को दूर करने के लिए। नंबर फाइव, पालक। दोस्तों पालक को हर एक डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, थकान हो, कमजोरी हो, फीवर हो या आपका कोई भी ऐसा ऑपरेशन हुआ उसके बाद अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो आपको डॉक्टर पालक जरूर रिकमेंड करता है क्योंकि पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे अगर आप खाते हो तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा विटामिन, मिनरल, जिंक, फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉलिक एसिड देखने को मिलता है। यह आपके शरीर में कमजोरी खत्म करके आपके शरीर को बलवान तो बनाता ही है, साथ ही साथ यह आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है जिससे आपके शरीर की खून की कमी दूर होती है। इसी के साथ साथ अगर आपके शरीर में थकान, कमजोरी या आपको बहुत ज्यादा आलसपन रहता है अपने शरीर में तो भी वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो पालक आप जरूर खाएं। इसी के साथ साथ ये शारीरिक कमजोरी यानी कि अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है तो ये आपके शरीर को बलवान भी बनाता है, तो आप पालक जरूर खाएं। लेकिन आज के समय में जो बच्चे हैं वो पालक खाना बहुत ही ज्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें इतना पसंद नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पालक जरूर खाएं क्योंकि जो बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें एडल्ट के मुकाबले। तो यहाँ पे दोस्तों ये थे ऐसे 5 फूड जिन्हें खाके आप अपने शरीर की कमजोरी खत्म कर सकते हो, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो इन फूड्स को खाके आप अपना हीमोग्लोबिन यानी कि खून बढ़ा सकते हो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहां पे मैं आपको हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड सारी वीडियोस देता हूं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।